फ्रीज। बिग फ्रीज की सूरत में डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को एक दूसरे से और दूर धकेलती है, लेकिन वो ठीक ठाक बनी रहती है, बस उनके अंदर मौजूद तारों की चमक कम होती जाती है। हमारे सूर्य सहित आसमान में नजर आने वाला हर सितारा अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जला रहा है। गैस खत्म हो जाएगी तो नए सितारे नहीं बनेंगे, और जो सितारे मौजूद हैं बस वही आखिरी तारे होंगे। अब से 100 खरब साल बाद सबसे पहले सबसे बड़े सितारे ही गायब होंगे। बड़े तारे चमकदार होते हैं और उनका अंत धमाकेदार होता है। सितारे का कोर धंसते हुए एक सुपरनोवा को जन्म देता है। फिर ग्रेविटी दम तोड़ते तारे को कुचलकर उसे एक डेंस स्पॉट बना देती है। चमकदार तारा अब एक ब्लैक होल बन जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारे सूर्य जैसे मंझोले आकार के तारों की। जब इसकी हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो आग के इस विशाल गोले का आकार अब के मुकाबले 200 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। जब कोर में हाइड्रोजन नहीं बचती तो ये एक रेड जायंट स्टार बन जाता है। रेड जायंट स्टार इतने बड़े होते हैं कि वो अपने ही ग्रहों को निकल जाते हैं। हमने ऐसी मिसालें देखी हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर की ऑर्बिट जितनी दूरी तक पहुंच सकते हैं। ईंधन खत्म होने पर सूर्य ग्रेविटी के आगे हार मानकर एक छोटा सा वाइट ड्वार्फ बन जाता है। ये मैटर की एक सघन बॉल रह जाता है जिसका व्यास कुछ 1000 किलोमीटर ही होता है। गर्मी की वजह से फिर ये 10 अरब साल तक और चमकता है। उसके बाद ये ठंडा होकर कंप्रेस्ड कार्बन की एक गेंद ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, शायद हीरा भी। सबसे बड़े तारों के दम तोड़ने से ब्रह्मांड धीरे धीरे लाल होने लगता है। फिर ब्लू स्टार फटते हैं और उसके बाद थोड़े कम ब्लू स्टार्स में विस्फोट होता है। फिर सूर्य जैसे तारों की चमक कम होती है, वो दम तोड़ देते हैं और फिर सिर्फ रेड स्टार्स ही बचते हैं। रेड स्टार्स आकार में सबसे छोटे और ब्रह्मांड में सबसे ठंडे होते हैं। वो अपने ईंधन को धीरे धीरे जलाते हैं, लेकिन 10 खरब साल और बिताने के बाद सबसे छोटे ड्वार्फ सितारों का ईंधन भी खत्म हो जाता है। हमें जो तारे नजर आते हैं उनकी ऊर्जा जलनी खत्म हो जाएगी और हमें रात में आसमान काला दिखेगा। बाकी बचेंगे तो मरे हुए तारों के अवशेष, ब्लैक होल और गैस और धूल के ठंडे बादल। तो सितारों का दौर खत्म हो चुका है और ब्लैक होल का दौर शुरू होता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में निर्माण के बुनियादी तत्व बन जाते हैं। कोई गैलेक्सी बीच में मौजूद एक बेहद विशाल ब्लैक होल बन जाएगी और छोटे ब्लैक होल उसकी परिक्रमा करेंगे। इसे आप एक तरह से प्रेत ब्रह्मांड कह सकते हैं। हमें भविष्य की ओर ले जाएंगे ज़ॉम्बी स्टार, यानी तारों के शव। ब्लैक होल से भरी ज़ॉम्बी गैलेक्सीज विकसित होती रहेंगी। वो दम तोड़ चुके सितारों के अवशेष समेटती रहेंगी। ब्लैक होल एक दूसरे में मिलते रहेंगे। वो एक दूसरे को निगलते जाएंगे और ज्यादा बड़े होते जाएंगे। हो सकता है वो किसी बेहद विशाल ब्लैक होल में गिर जाएं और वो और बड़ा हो जाए। ब्रह्मांड अब भी एक रोमांचक और गतिशील जगह बनी रहेगी, लेकिन हम जिस टाइम स्केल की बात करते हैं वो अब हजारों या लाखों साल के बजाय शायद खरबों साल हो जाएगा। जो भी मैटर किसी ब्लैक होल के खिंचाव से किसी तरह बच जाता है, वो भी आखिरकार अपने प्रोटॉन के बिखराव के कारण दम तोड़ ही देता है। वो प्रोटॉन जो एटॉमिक मैटर को बनाने वाली बुनियादी चीजों में से एक है, जिससे हम बनते हैं, वो खुद ब खुद टूटकर बिखर सकता है। और पता चला है कि इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन खत्म ये भी होता है। बाकी बचेगा तो ब्लैक होल्स का एक सागर। वैज्ञानिक सोचा करते थे कि ब्लैक होल अमर होते हैं, लेकिन एक दिन इनकी भी मौत होगी। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टाइम स्केल की जो बहुत ही लंबा है, जिसकी अवधि होगी लाखों खरब साल। लेकिन उस टाइम स्केल पर ब्लैक होल भी भाप बनकर उड़ने लगेंगे। वो होते जाएंगे छोटे और छोटे और छोटे, और उसके बाद पूफ, वो गुम हो जाएंगे। जब बाकी बचे आखिरी ब्लैक होल दम तोड़ेंगे तो ब्रह्मांड का भी खात्मा हो जाएगा। इसके और छोटे होते जाने से भाप बनकर उड़ने की दर तेजी से बढ़ेगी। कुछ ही समय में सिकुड़कर इसका आकार 1 इंच का खरबवां हिस्सा रह जाएगा। इस समय फिजिक्स के तमाम नियम भी खत्म हो जाएंगे और बाकी बचे ब्लैक होल के फटने से गामा रेज की एक चमक पैदा होगी। फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर ये दम तोड़ेगा और पैदा होगी ढेर सी रोशनी।
ये ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में आखिरी जोरदार चमक होगी। बिग फ्रीज अब बढ़ा आ रहा है और ब्रह्मांड को एक ठंडी, धीमी और स्याह मौत का सामना करना होगा जो खरबों खरब साल तक कायम रहेगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ब्रह्मांड का एक वैकल्पिक अंत भी हो सकता है। यह हादसा इतना दमदार और विध्वंसक हो सकता है कि पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और ये कल भी हो सकता है। ब्रह्मांड का अंत करीब आ रहा है। डार्क एनर्जी गैलेक्सीज के बीच के स्पेस की गति तेज कर देती है और हम जो कुछ देखते हैं उसकी एक लंबी, सर्द और बेहद धीमी मौत होती है। ये तभी रुक सकती है जब इससे पहले कोई अजीब घटना हो जाए। फेज ट्रांजिशन कहा जाने वाला एक महाकाय अंधेरे में मंडरा रहा है और ये किसी भी पल स्पेस और समय के ताने बाने को खत्म कर सकता है। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो ये बर्फ बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी बदलती है। अगर आप पानी में रहते हो तो इसके बर्फ में बदल जाने से आपकी दुनिया भी एकदम बदल जाएगी। जब पानी की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये रूप बदल कर बर्फ बन जाता है। एक बार पानी की एक बोतल रात भर कार में पड़ी रही। पानी अब भी तरल था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ तो उसमें जो थोड़ी बहुत बर्फ जमी थी वो पिघल गई, पुफ, और बोतल फिर से भर गई। किसी नई चीज में इतनी तेजी से होने वाले बदलाव को कहते हैं फेज ट्रांजिशन। और अजीब बात यह है कि ऐसा ही खाली स्पेस के साथ भी हो सकता है। हमें ये समझ आया कि जिस वैक्यूम में हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, जिसे हम स्थिर मानते हैं, वैसा असल में है नहीं। ऐसा हो सकता है कि किसी खाली जगह पर जमा एनर्जी एक फेज ट्रांजिशन में बाहर निकलने का इंतजार कर रही हो। अगर ऐसा है तो फिजिक्स के नियम बदल जाएंगे। अगर स्पेस और समय के ताने बाने में अचानक कोई गड़बड़ हो जाए तो स्पेस में एक फेज ट्रांजिशन शुरू हो सकता है। ऐसे में नए ब्रह्मांड का एक छोटा सा बुलबुला फैल कर पुराने को अपने कब्जे में कर सकता है। हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पहले भी हुआ है। बिग बैंग वाले पल में जिस ब्रह्मांड की सबसे पहले रचना हुई थी वो आज के ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग तरह का है। ये गर्म और बिना आकार वाला, बिना मैटर और बिना समय वाला था। तब फिजिक्स के नियम अलग थे। फिर अचानक एक सेकेंड के एक खरबवें हिस्से से भी कम समय बाद एक गड़बड़ी से एक फेज ट्रांजिशन शुरू हुआ। हम आज जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका एक छोटा सा बुलबुला बना, ये बाहर की तरफ दौड़ा और इसने जिस चीज को छुआ, पानी में फैलती बर्फ की तरह इसने उसे बर्बाद कर दिया। इससे उत्पन्न ऊर्जा ने उस स्पेस और समय को बनाया जिसमें हम मौजूद हैं। ये थे मैटर को बनाने वाले तत्व और उनका नियंत्रण करने वाले बल। उस समय जो ऊर्जा रिलीज हुई उससे ब्रह्मांड में आज नजर आने वाला मैटर और रेडिएशन पैदा हुआ। पुराने ब्रह्मांड ने नए की रचना के लिए अपनी ऊर्जा दे दी, लेकिन इसने कुछ ऊर्जा बचाकर भी रखी। स्पेस के वैक्यूम में अब भी एनर्जी मौजूद थी। शायद ये आज हमें नजर आने वाली डार्क एनर्जी है। फिजिसिस्ट का मानना है कि भविष्य में किसी दिन स्पेस और समय के ताने बाने में पैदा होने वाली कोई नई गड़बड़ी एक और फेज ट्रांजिशन की शुरुआत कर सकती है और ये हमारा और हमें दिखने वाली हर चीज का सफाया कर सकती है। ये पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने का एक तरीका है, क्योंकि हमारे अपने ब्रह्मांड में ही इसकी तबाही के बीज मौजूद हैं। ये प्रकाश की गति से मौत के एक बुलबुले की शक्ल में फैलकर हर उस गैलेक्सी को बर्बाद करेगा जिसके पास से ये गुजरेगा, और आखिरकार हमारे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। फैलते फेज ट्रांजिशन के सामने कोई चीज बच नहीं सकती। ग्रह, नेबुली, गैलेक्सीज, ये सभी इस बुलबुले की सरहद से छूते ही तहस नहस हो जाएंगे। इस बुलबुले के अंदर प्रोटॉन अस्थिर होते हैं और एटम मैटर के एक नए आकार में खुद को जगह देनी शुरू कर रहे होते हैं। जब ये बुलबुले फैलने लगते हैं तो पुराने ब्रह्मांड के अवशेषों में एक नया ब्रह्मांड जन्म लेने लगता है और इस तरह फिजिक्स के एक नए नियम की उत्पत्ति होती है। तो फिलहाल हम जिस फैलते ब्रह्मांड को देख रहे हैं उसका अंत एक फेज ट्रांजिशन में हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि हमसे क्या टकराया, क्योंकि फिजिक्स के नियम बदलते रहेंगे और पूरी आशंका है कि हम ऐसा होते ही फौरन गायब हो जाएंगे।
ये बुलबुला प्रकाश की रफ्तार से फैलेगा और जब ये आपके पास से गुजरेगा तो आपके शरीर के सारे एटम खुद को दोबारा अरेंज करेंगे, लेकिन आपको इसका पता नहीं चलेगा, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बुलबुला खुद प्रकाश की रफ्तार से बढ़ रहा होगा। ऐसा कब होगा आप इसका सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, सिर्फ इसकी संभावना है। आप इसकी दर के बारे में ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये साल में एक बार होगा, 10 अरब साल में एक बार होगा, या गूगल वर्ष में होगा, या ऐसा ही कुछ। ये भी हो सकता है कि ये बुलबुले न्यूक्लिएट होकर हर 10 या 20 अरब साल में बढ़ें। हम किस्मत वाले हैं कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ऐसा भी होना मुश्किल है कि ऐसा अगले साल या अगले दिन हो, लेकिन फिजिक्स के नियमों के मुताबिक ऐसा हो जरूर सकता है। फेज में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। ये ब्रह्मांड खुद से जुड़े राज आसानी से उजागर नहीं करता, और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की तरह अभी शायद और कई आश्चर्यजनक तथ्य हमारा इंतजार कर रहे हों, और ये आश्चर्य उन रहस्यों और चमत्कारों की तादाद और बढ़ाएंगे जो हमारे ब्रह्मांड ने हमारे लिए छिपा रखे हैं। इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, इस बारे में अभी हम ज्यादा नहीं जानते। हम फिलहाल खोज के एक दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है वहाँ अब भी ऐसा बहुत कुछ हो जो हम नहीं जानते, तो जब तक पुख्ता नतीजे नहीं निकलेंगे मैं भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। हम डार्क एनर्जी की फितरत को नहीं समझते, और जब तक हम उसे नहीं समझते कुछ भी हो सकता है। भविष्य आज भी अनिश्चित है, और उसका मतलब है कि अब भी एक रहस्य मौजूद है, और मेरे लिए ये संभावना सबसे ज्यादा रोमांचक है।